जेकेपी कांस्टेबल का जो प्रोसेस है वो लगभग स्टार्ट हो ही चुका है, और इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस में आप सभी को पता है रिटर्न एग्जाम भी होने जा रहे हैं। अब ये मान के चलो, हालांकि वैसा पॉसिबल नहीं है, बट मान के चलो कि आपका एग्जाम 1 से 2 वीक के बाद होने जा रहा है, तो आज की प्रिपरेशन के हिसाब से आप वहां पर कितना स्कोर कर पाओगे, आपकी तैयारी कितनी है? अगर इस बात का आंसर आपके पास नहीं है तो टेंशन मत लो, आपके लिए मैं लेकर आया हूं ऑल यूटी बेस्ड एक फ्री फुल लेंथ मॉक टेस्ट। ये फुल लेंथ मॉक टेस्ट किस तरह से डिजाइन करा गया, इसमें रीजनिंग के 10 क्वेश्चन होंगे, क्योंकि सिलेबस अभी हमारे पास नहीं है, बट एक्सपेक्टेशन से वही हम आपके सामने ला रहे हैं। रीजनिंग के 10 क्वेश्चन होंगे, मैथमेटिक्स के 10 क्वेश्चन होंगे, जब आप पेपर एंड कर लोगे इनके सोल्यूशन भी आपको देखने को मिलेंगे। जनरल अवेयरनेस 50 मार्क्स का रहने वाला है, साइंस 10 मार्क्स और कंप्यूटर 10 मार्क्स, इस तरह से करके वो 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आपके लिए डिजाइन करा गया है। वहां पर नेगेटिव मार्किंग भी सेट करी गई है। पेपर का लेवल में अगर आपको बताऊं तो इजी से मॉडरेट तक का रखा हुआ है, हालांकि कई सारे कहते हैं कि इजी होगा, कुछ कहते हैं कि डिफिकल्ट होगा, लेकिन इस बार जेकेपी ने एग्जाम नहीं करवाना, जेकेएसएसबी ने करवाना है। जब पहले भी क्लास 4 का एग्जाम हुआ था, कहा गया था क्लास 4 का एग्जाम ना कितना डिफिकल्ट लेवल बन जाएगा, लेकिन लेवल आप सभी ने देखा होगा। इस बार वैसे एक्सपेक्टेशन जेकेपी से भी हैं, लेकिन पेपर याद रखो जेकेएसएसबी करवाने जा रहा है, कुछ नहीं कह सकते पेपर का लेवल के रहने वाला है। बट फिलहाल आप में से मैक्सिमम की भी तैयारी नहीं होगी, तभी मैं कह रहा हूँ कि जो हमने लेवल रखा है टेस्ट का, वो रखा है इजी से मॉडरेट लेवल का। अब आपको टेस्ट क्यों अटेम्प्ट करना चाहिए? आपको टेस्ट इसीलिए अटेम्प्ट करना चाहिए, आपको पता लगेगा आपका लेवल क्या है, आप कहां पर स्टैंड करते हो, क्योंकि इस टेस्ट का एनालिसिस मैं आपके लिए यूट्यूब पर लेकर आऊंगा। ये फ्री टेस्ट रहने वाला है, एनालिसिस यूट्यूब पर रहने वाला है, आपको समझ आएगा जो टॉपर था उससे कितने मार्क्स है, एवरेज स्कोर कितने आ रहे, कम से कम कितने बच्चे मार्क्स ले रहे, आपको कंपटीशन लेवल का अंदाजा होगा कि कंपटीशन किस तरह का चल रहा है जम्मू कश्मीर में अभी के हिसाब से, अगर अभी आने वाले 15-20 दिन या 1 महीने में पेपर हो जाएगा। फिर आपने अपनी तैयारी स्टार्ट करनी है 15-20 दिन के बाद, ये टेस्ट वैसे फ्री रहने वाला है, आपने 15-20 दिन के बाद दोबारा से यही टेस्ट अटेम्प्ट करना और देखना है आप कितनी इंप्रूवमेंट कर रहे हो, और 1 से 1.5 महीने के बाद इस तरह से एक और फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपके लिए आ जाएगा। फिर वहां से दोबारा से चेक होगा कि बच्चों का लेवल अब कहां पर आ चुका है, किस तरह की आपकी तैयारी चल रही है। तो सबसे पहले तो आप सभी को ये फ्री फुल लेंथ मॉक टेस्ट जरूर अटेम्प्ट करना चाहिए, किसी और के लिए नहीं, अपने लिए, अपनी तैयारी चेक करने के लिए कि आप कहां पर स्टैंड करते हो, आपकी वीकनेस क्या है, आपको किस पर फोकस करना है, आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, वो सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा इस टेस्ट के बाद। आपको टेस्ट कैसे अटेम्प्ट करना है, इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिलेगा हमारी एप्लीकेशन का, आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए, AKS क्लासेस के नाम से है। आप जैसे ही एप्लीकेशन को इंस्टॉल करोगे वहां पर आपको कोर्स देखने को मिलेगा JKB कॉन्स्टेबल 2024 के नाम से, उस कोर्स को आपने ओपन करना, सबसे ऊपर एक फ्री में टेस्ट वहां पर होगा फुल लेंथ मॉक टेस्ट, वो अगर आप कोर्स नहीं भी परचेस करते तो भी आप आराम से ओपन कर सकते हो, कोर्स परचेस करने की जरूरत नहीं है, उसके लिए आप वो फ्री में टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो। तो पूरे जम्मू कश्मीर के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं जो JKP की तैयारी करने जा रहे हैं, वो सभी उस फुल लेंथ मॉक टेस्ट को जरूर अटेम्प्ट करें, वहां से हम ये भी समझ पाएंगे कंपटीशन लेवल कितना है। इसी तरीके से जो बाकी आने वाले टाइम पे 1-1.5 महीने के बाद एक और फ्री फुल लेंथ मॉक टेस्ट आएगा, वो भी वहीं पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो आपने एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है, वहां पे कोर्स को ओपन करना है, और कोर्स को ओपन करने के बाद कंटेंट वाले सेक्शन में आपको टेस्ट देखने को मिल जाएगा। तो ये तो होगी कि जम्मू कश्मीर के लिए एक फ्री फुल लेंथ मॉक टेस्ट आ चुका है JKP का। बाकी आप सभी को पता होगा डिफेंस वाले जो चैनल है वहां पर भी इसकी तैयारी करवाई जा रही है, SSC MTS की GK स्टार्ट कर दिया है, वो वीडियो आपको JKP में भी काम आने वाले, तो वहां से जाके भी तैयारी कर सकते हो। बाकी अगर आप एप्लीकेशन ज्वाइन करोगे जब, तो एप्लीकेशन में कोर्स चल रहा है, अगर आप वो ज्वाइन करना चाहते हो वो भी ज्वाइन कर सकते हो, आपकी अपनी मर्जी है। जब आपने टेस्ट अटेम्प्ट कर लिया, फिर आपने तैयारी उसके अकॉर्डिंग करना स्टार्ट करनी है, और आने वाले टाइम पर जब नया फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपके सामने आएगा तब इम्प्रूवमेंट आपकी होनी चाहिए, ये आपका काम बनता है, आपने किस तरह से मेहनत करनी है, तैयारी आपको अपने अकॉर्डिंग करनी है। अगर आप कोर्स नहीं परचेज करते हो तो आपको एक स्ट्रैटेजी बनानी है, स्ट्रैटेजी बनाकर आपको तैयारी करनी है। आप हमारे यूट्यूब चैनल में जो वीडियोज हैं वो भी देख सकते हो, इस चैनल पर भी हैं, डिफेंस वाले चैनल पर भी हैं, आप दोनों चैनल से पढ़ सकते हो। एक MCQ सीरीज भी जल्दी आपके लिए स्टार्ट होने वाले, जो भी JKP के एस्पिरेंट्स हैं वो MCQ सीरीज भी आपके लिए बड़े काम की रहने वाली है, तो वो भी जल्दी स्टार्ट होने वाली है। तो ये तो हो गया हमारे लिए कि एक फ्री फुल लेंथ मॉक टेस्ट आ गया जो कि आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अब हम बात करते हैं कि यहां पर कौन सी मिस्टेक्स हैं जो आपको अवॉइड करनी है अगर आपको सिलेक्शन चाहिए। देखिए यहां पर क्या है, कई सारे बच्चे अभी क्या कर रहे हैं, अभी से बुक्स परचेज करना स्टार्ट कर रहे हैं, मार्केट में जा रहे हैं, JKP के बुक्स अवेलेबल है, वो जाके परचेज कर रहे हैं। लेकिन ध्यान रखिए, अभी सिलेबस अनाउंस ही नहीं करा गया है,
इस बार जम्मू कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन एक्ट है उसे भी ऐड करा जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, अगर नहीं भी ऐड करा जाएगा वहां से क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर आने। इस एक्ट को अगर साइड में रखेंगे तो कुछ नहीं पता रीजनिंग और मैथमेटिक्स से क्या वेटेज रहने वाली है, कौन से चैप्टर वहां पे इंक्लूड करे जाएंगे, या क्लास फोर के जैसा सिलेबस रहेगा या डिफरेंट रहने वाला है, जनरल अवेयरनेस से कितनी वेटेज होगी, क्या इसमें इंडियन पॉलिटी को अलग से ऐड करा जाएगा, क्योंकि जब आपका ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट होता है ट्रेनिंग में पॉलिटी आपकी दोबारा से पढ़नी होती है आपको, जब आर्टिकल्स हो गया, फंडामेंटल राइट्स हो गया, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स बॉरोड फीचर्स आपको दोबारा से पढ़ाया जाता है, तो क्या पता इसकी अलग से वेटेज होगी या जनरल अवेयरनेस में ऐड करा जाएगा। कंप्यूटर की क्या वेटेज रहेगी, क्या इसमें इन्वायरमेंट का सेक्शन अलग से होगा, तो उसके अकॉर्डिंग बुक अभी कोई डिजाइन नहीं है क्योंकि सिलेबस अभी आया ही नहीं है। तो फिलहाल आपको जो फोकस करना है वो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर जो कि कॉमन है कि एग्जाम में आने ही आने, जैसे आपको मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की बात करेंगे वो कवर करनी चाहिए फिलहाल इनिशियल लेवल पे, वो आप किसी भी बुक से तैयारी कर सकते हो, किसी भी चैनल से पढ़ सकते हो, तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री आपको कवर करनी चाहिए। जम्मू कश्मीर के बेसिक्स आपको क्लियर करने चाहिए, जैसे कि जम्मू कश्मीर के जो अभी जैसे यूटी बर्ड कौन सा है, यूटी एनिमल कौन सा है, जो सिंबल्स हैं वो कवर करने चाहिए, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को कवर करना चाहिए, टूरिस्ट डेस्टिनेशन है वो कवर करना चाहिए, बेसिक पॉलिटी जो आर्टिकल्स होते हैं बॉरोड फीचर्स हो गया, प्रियम्बल हो गया, या फिर पंचायत वगैरह, इस तरह के जो टॉपिक है आपको ये कवर करने चाहिए, बेसिक्स ऑफ इंडियन ज्योग्राफी, जो बेसिक बेसिक टॉपिक होते हैं आपको फिलहाल उन पर फोकस करना चाहिए। तो अभी बुक्स वगैरह परचेज करने की गलती मत कीजिए, थोड़ा सा टाइम आने दीजिए, सिलेबस को आने दीजिए, उसके बाद बुक्स पर फोकस कीजिए। यदि आपके पास कोई ना कोई बुक जरूर अवेलेबल होगी, नहीं भी है तो हमारे टेलीग्राम पर जाओगे, कई सारे बुक्स अवेलेबल है वहां पर, फाइल्स वाले सेक्शन में अगर आपको नहीं मिलेंगे आज मैं दोबारा से शेयर कर दूंगा, तो उसमें भी आपको इंडियन हिस्ट्री का पोर्शन मिलेगा, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, स्ट्रेटजी के सब कुछ मिल जाएगा। आप फिलहाल के लिए उन बुक से तैयारी करो, परचेज करने की भी आपको फिलहाल जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, वो मत काम करो, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उन पे फोकस करना स्टार्ट करो। इसके बाद हम कौन सी मिस्टेक करते हैं जब हम तैयारी करते हैं, हमने क्या करना है या आपने क्या करना है, सिलेबस कवर करना स्टार्ट कर देना, हाँ इंडियन हिस्ट्री होगी, ज्योग्राफी की तरफ जाओ, पॉलिटिक्स की तरफ जाओ, लेकिन रिवीजन करनी ही नहीं है, यह गलत बात है। आपने पहला टॉपिक कवर करा, जब आप दूसरे टॉपिक पे आ रहे हो तो पहले टॉपिक अच्छे से रिविजन करो, पहला टॉपिक खत्म किया उसके एमसीक्यू देखो, वो एमसीक्यू कवर करना स्टार्ट करो, एक हफ्ते के बाद आपने जितना भी पढ़ा वो सारा रिवाइज करो, उसके एमसीक्यू वगैरह देखो, ये रिविजन करना बेस्ट है। सिर्फ आगे बढ़ते जाओ पीछे छोड़ते जाओ वो वाला कंसेप्ट नहीं लगाना होता है, रिविजन साथ साथ करनी है, टेस्ट वगैरह अटेम्प्ट करते जाने। तो हमारी अगर मैं एप्लीकेशन की बात करूँ फिलहाल यही वहां पे अप्रोच रहती है कि जब नेक्स्ट डे पढ़ाया जा रहा है, जो फर्स्ट डे पढ़ाया था पहले उसको मैं थोड़ा सा सुन लेता हूँ आपसे, उस सुनने का बेनिफिट ये होता है कि वो बच्चे जो नहीं भी रिवाइज कर पाए, जब मैं क्वेश्चन पूछूंगा बच्चे वहां से आंसर बताएंगे, तो वो जब सुनेंगे ना, सुन के भी उनको बेनिफिट मिलता है, वो याद होता जाता है। जब डेली बेसिस पे टेस्ट होता जाएगा, क्वेश्चन रिपीट होते जाएंगे, तो वो बड़ा कॉमन सा बन जाएगा, आसानी से याद होता जाएगा, ये बेनिफिट रहने वाला है। बाकी वीकली वहां पे टेस्ट भी चलते रहे तो दोबारा से वो प्रोसेस स्टार्ट होने जा रहा है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपके सामने आ ही रहा है, तो इस तरह से प्रोसेस वहां पे चलता जाएगा। अगर आप अपने सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो इन बातों का ध्यान देना है आपको कि वीक के बाद आपको रिविजन अच्छे से करनी है, जो जितना पढ़ा होगा पूरे हफ्ते का रिविजन करनी है, टेस्ट जरूर आपको अटेम्प्ट करते जाने। तो आप सभी को एक बात और बता दूं, अगर आप सेल्फ स्टडी भी करना चाहते हो तो कोर्स नहीं परचेज करना, आपने सिर्फ टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना है, टेस्ट सीरीज में टेस्ट वगैरह अपलोड होते रहेंगे, होते भी गए कई सारे, मॉक टेस्ट वगैरह भी आते जाएंगे। और जहां तक आपके कई सारे डाउट होते हैं कि एज लिमिट वगैरह क्या है, वो भी अनाउंस नहीं करेगी, नोटिफिकेशन आने के बाद पता लगेगा एज लिमिट क्या रहने वाली है, पेपर का पैटर्न क्या रहने वाला है, रनिंग पहले होगी या एग्जाम पहले होने वाला है, आपको सबकी तैयारी करनी है, क्योंकि अभी हमें कुछ भी नहीं पता, पैटर्न पूरा चेंज होने वाला है, जेकेएसएसबी के अकॉर्डिंग जो नोटिफिकेशन आएगा उससे ही क्लैरिटी देखने को मिलेगी। लेकिन हाँ इतनी बात क्लियर है कि कंपटीशन इस बार पीक पर रहने वाला है, हाई लेवल का कंपटीशन रहने वाला है। आप में से कई सारे फ्रेशर होंगे और कई सारे वो होंगे जो जेकेएसएसबी के कई सारे एग्जाम दे चुके हैं, एक्सपीरियंस के साथ वो तैयारी करने जा रहे हैं, तो फ्रेशर्स के लिए और ज्यादा डिफिकल्ट रहने वाला है, तो आपको और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, एक स्ट्रैटेजी बनाकर पढ़ने की जरूरत है, तो इन सभी बातों का ध्यान रखना है। और लास्ट में सिर्फ और सिर्फ एक बात मैं आपको बोलूंगा, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको एक बात पे फोकस करना पड़ेगा कि आपको किस तरह से अपना सिलेबस कवर करना है और किस तरह से रिवीजन करनी है। सिलेबस कवर करना प्लस रिवीजन करना, ये आपका मोटिव रहना चाहिए, और डेविएशन से आपको हटना पड़ेगा। जब ये प्रोसेस आगे कंटिन्यू चलता जाएगा तो कई तरह के डेविएशन आपको देखने को मिलेगी, कई तरह की बातें उठती जाएंगी, तो आपने उन सभी को इग्नोर करते हुए, साइड में रखते हुए अपनी तैयारी पे फोकस करना है, अपने रिवीजन पे फोकस करना है, और जब एग्जाम के टाइम में 15 से 20 दिन का टाइम रह जाएगा तब आपको सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट पे ध्यान देना है। और मॉक टेस्ट अगर आपके अच्छे होंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, मॉक टेस्ट अगर आपके बेकार होंगे, आपकी तैयारी अच्छी होगी, कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा।
तो मॉक टेस्ट अगर अच्छा करना चाहते तो फिर से वही बात है, सिलेबस और रिविजन आपकी बेस्ट होनी चाहिए। तो फिलहाल वीडियो को शेयर कीजिएगा, वीडियो को मैं एंड करने वाला हूँ, फ्री फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपसे भी जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद।